हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। तो आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप लाइटरूम का न्यू मास्किंग टूल को यूज कर सकते हो, यूज करके कुछ इस तरह का सिनेमैटिक फोटो एडिटिंग कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो मास्किंग टूल का यूज करके सिनेमैटिक फोटो एडिटिंग हम करने वाले हैं लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो सबसे पहले आपको अपने लाइटरूम ऐप को ओपन कर लेना है, एंड अगर आपके पास लाइटरूम ऐप नहीं है देन इसे आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद आप इसे ओपन करना, कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब जिस फोटो को आप एडिट करना चाहोगे उसे आप सेलेक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे एडिट करना चाहता हूँ तो इसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, फोटो ऐड हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस देख रहे होंगे। इन्हीं में आपको जस्ट यहाँ पे एक मास्किंग का भी ऑप्शन देख रहा होगा, आपको इसी को पर क्लिक करना है। इसी टूल का यूज करके हम यहाँ पे सिनेमैटिक फोटो एडिटिंग करना सीखेंगे। और इस मास्किंग टूल का यूज करके आप काफी सारी चीजें कर सकते हो, जैसे कि आप इसमें ग्लो ऐड कर सकते हो, कलर को चेंज कर सकते हो, फिर उसके बाद शैडो वगैरह ऐड कर सकते हो, काफी सारी चीजें किया जा सकता है। ठीक है, तो सारा चीजें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, उस वीडियो को आप सिर्फ लास्ट तक देखो, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि कैसे आप मास्किंग का यूज करके ग्लो इफेक्ट बना सकते हो। जैसे कि ये जो बल्ब आप देख पा रहे हो ये अभी ग्लो नहीं कर रहे, लेकिन मास्किंग का यूज करूंगा ना तो आप देखने ये ग्लो करने लगेंगे, वो भी जिस कलर में आप चाहो उस कलर में करवा सकते हो। ठीक है, तो काफी बातें हो गई, अब चलिए करके देखते। सो यहाँ पे आपको एक प्लस का बटन दिख रहा होगा, आप इसके ऊपर क्लिक करो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको मास्किंग का काफी सारे ऑप्शन देखेंगे, जैसे कि एक सिलेक्ट सब्जेक्ट का ऑप्शन दिखेगा। इसकी मदद से आप सिर्फ सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। मैं आपको करके दिखाता हूं, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप देख पाओगे कि ऑटो ये डिटेक्ट करेगा और सिर्फ आपको सिलेक्ट कर लेगा। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो, अब इसकी मदद से बेसिकली कर आप लाइक आप देख सकते हो, अब इसकी मदद से बेसिकली ना आप अपना जो क्वालिटी है या फिर अपने ऊपर जो फोकस है उसको आप इंक्रीज कर सकते हो। जैसे लाइट के ऊपर चले जाना एंड कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा आप यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो। फिर डिटेल के ऊपर जाके आप यहाँ पे शार्पन को थोड़ा इंक्रीज कर देना। इफेक्ट के ऊपर जाके टेक्स्चर और क्लैरिटी को थोड़ा इंक्रीज करोगे तो आप देख पाओगे कि आपका जो फोटो है उसमें जो मेन फोकस है वो आपके ऊपर आ चुका है और बैकग्राउंड फोकस जो है वो हट जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से यूज होता है। सो आप यहां पे इसे यूज करके डन कर सकते हो। अब यही सेम तरीके से मास्किंग के ऊपर आप क्लिक करोगे, फिर प्लस के ऊपर क्लिक करोगे तो सेलेक्ट स्काई का ऑप्शन दिखेगा। अगर आपके स्काई है तो आप स्काई को इससे सेलेक्ट कर सकते हो। हमारे फोटो में तो कोई स्काई वगैरह नहीं है सो इसे हम छोड़ रहे हैं। ओके, अब उसके बाद आपको एक ब्रश का ऑप्शन मिलेगा, इसकी मदद से आप कोई एक पर्टिकुलर पार्ट को जस्ट सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि इसे हमने सेलेक्ट कर लिया, फिर वही सारी चीजें लाइट एंड कलर और क्वालिटी वगैरह का ऑप्शन मिलेगा। कलर के ऊपर जाओगे और अगर इंक्रीज करो तो वहां का जहां आपने ब्रश को चलाया होगा वहां का कलर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ब्रश का यूज किया जाता है। सो इसे मैं यहां पे कट करता हूं, इसकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, तो मैंने उसे हटा दिया था। अब उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल आते हैं वो हमारे यहां से स्टार्ट होते हैं, लीनियर, रेडियल, कलर रेंज एंड ये सब। ठीक है, तो ये जो आपको लीनियर ग्रेडियंट का ऑप्शन दिखता है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इससे बेसिकली आप अपने फोटो में शैडो ऐड कर सकते हो या फिर ग्लो भी आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ नीचे में टैप किया तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से सेलेक्ट हो गया। इसे यहाँ पे इसकी मदद से हम रोटेट कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे इसे रोटेट कर दिया एंड इसकी मदद से आप इसे फेड कर सकते हो। ये जो आपको यहाँ ऑप्शन दिखता है ना, ये वाला, हाँ सेकेंड नंबर वाला, इससे इस तरीके से फेड होता है, इससे ये नीचे होता है। ओके, तो ये सारा टूल्स को आप यहाँ देख लो कैसे वर्क करता है। एंड यहाँ पे इस तरीके से एडजस्ट कर लेना जहां आप शैडो ऐड करना चाहते हो। अब उसके बाद लाइट के ऊपर आप आ जाना। ठीक है, लाइट के ऊपर आने के बाद जस्ट एक्सपोजर को कम कर दोगे तो आप देख पाओगे वहां पे सिर्फ उस पर्टिकुलर पार्ट पे शैडो ऐड हो गया, देख पा रहे हो कुछ इस तरीके की शैडो ऐड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप शैडो ऐड कर सकते हो। अब यही सेम तरीके को यूज करके आप यहाँ पहले से डन कर लो, फिर मास्किंग के ऊपर आ जाओ एंड प्लस के ऊपर क्लिक करो। अब यही सेम तरीके को यूज करके आप यहाँ पे ग्लो भी ऐड कर सकते हो और वही सेम लीनियर से कर सकते हो। लीनियर और ये जो आपको रेडियल ग्रेडियंट मिल रही है ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इनका जस्ट शेप अलग है। जैसे कि लीनियर जो हमने सेलेक्ट किया तो वो बिल्कुल स्ट्रेट था, वहीं अगर आप यहाँ पे रेडियल को सेलेक्ट करोगे तो ये सर्कल टाइप का रहेगा। लाइक आप देख पा रहे हो सर्कल हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपको कोई सर्कुलर पार्ट में जस्ट शैडो को ऐड करना हो या फिर ग्लो को ऐड करना हो तो आप ये रेडियल को यूज कर सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पे इसे जस्ट कुछ इस तरीके से करता हूँ, इसका साइज को कुछ ऐसा इंक्रीज कर लेते हैं।
जहां तक बल्ब था जस्ट वहां तक मैंने इसे इंक्रीज कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद इसमें ग्लो ऐड करने के लिए तरीका बिल्कुल सेम होगा, लाइट के ऊपर आना होगा, बट इस बार एक्सपोजर को इंक्रीज करना होगा सो दैट कि यहां पे ये ग्लो करने लगे। लाइक आप देख सकते हो ग्लो कर रहा है। अब इसका कलर को अगर चेंज करना चाहो तो कलर के ऊपर आप चले जाना, सेचुरेशन को इंक्रीज कर देना सो दैट कि जो कलर पहले से वो थोड़ा और हाईलाइट हो जाए। एंड उसके बाद आपको नीचे में यहाँ पे और भी चीजें मिलते हैं, जैसे कि कलर का ऑप्शन मिलता है, इसे आप यहाँ पे जो कलर आप उसमें रखना चाहते हो उसे सेलेक्ट कर सकते हो। लाइक हम येलो को ही सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ टेम्परेचर भी मिलता है, इसे भी आप कलर को यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो। सो ये कलर सही रहेगा तो इसे हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमारा ये जो फोटो था कुछ ऐसा, उसमें ये ग्लो ऐड हो जा रहा है, बट ये ग्लो सिर्फ उतना दूर तक रह रहा है तो उतना अच्छा नहीं लग रहा है। सो इसे हम यहाँ पे इंक्रीज कर लेते हैं एंड ये पूरा साइड में ही ये ग्लो को रख देते हैं। तो अब आप यहाँ देख सकते हो ये काफी बेटर लग रहा है पहले से। ओके, एंड इसे हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, जैसे कि लाइट हमने कुछ ज़्यादा ही इंक्रीज कर दिया है तो लाइट को मैं इतना ही रखता हूँ और कलर को यहाँ पे हम थोड़ा अच्छे से अरेंज कर लेते हैं। बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है एंड अब सही है। तो उसके बाद यहाँ पे डन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे अभी तक ये सीख लिया कि कैसे मास्किंग टूल का यूज़ करके सबसे पहले तो अपने जो अपना कैरेक्टर है उसके ऊपर फोकस को लाना है, फिर उसके बाद आपने सीखा कि कैसे इसमें नीचे में यहाँ पे शैडो को ऐड करना है, जैसे कि शैडो ऐड हो रहा है, फिर अभी आपने सीखा कि कैसे ग्लो को ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे तीन चीज हम जान चुके हैं, अब फोर्थ चीज ये है जिससे की मदद से आप अपने फोटो में जस्ट कलर को चेंज कर सकते हो। जैसे कि मास्किंग के ऊपर क्लिक करें, फिर यहाँ प्लस के ऊपर क्लिक करें तो आपको एक कलर रेंज और एक लुमिनेंस रेंज मिलेगा, दोनों सेम तरीके से काम करता है। इसके ऊपर आप सेलेक्ट करोगे देन आप यहाँ पे कोई एक कोई पर्टिकुलर कलर को सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं किसी को चूज कर लेता हूँ, लाइक ये वाला कलर को मैंने यहाँ पे चूज कर लिया, और उसके बाद आप यहाँ से इसे रिफाइन भी कर सकते हो, मतलब इंक्रीज या फिर डिक्रीज भी कर सकते हो। तो मैं थोड़ा सा यहाँ डिक्रीज कर दिया, फिर अप्लाई कर लेते। ठीक है, तो जहाँ जहाँ ये सेलेक्ट हुए ना, अब वहाँ का कलर का पूरा कंट्रोल आपके पास आ गया है। कलर के ऊपर आप आ जाओ एंड सेचुरेशन बढ़ा दोगे तो वहाँ का जो कलर होगा उसका सेचुरेशन बढ़ जाएगा। कलर चेंज करना चाहो तो नीचे आप आ जाओ, कलर का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ से आप उसका कलर को चेंज कर सकते हो। जैसे कि आप देख पा रहे हो कुछ इस तरीके का कलर ये हो गया जो कि पहले से नहीं था। ठीक है, कुछ ऐसा हो गया और चेंज करना चाहो तो और ये HUE की मदद से और भी यहाँ पे आप डिफरेंसेस ला सकते हो। ओके, बट ये मतलब कॉम्बिनेशन बिल्कुल ही घटिया है, तो मैं यहाँ पे इसे थोड़ा चेंज करता हूँ, जैसे कि इसे ये वाला कलर देते हैं एंड यहाँ पे HUE को थोड़ा अच्छे से अरेंज कर लेंगे इस टाइप का, बिल्कुल सही लग रहा है। थोड़ा टेम्परेचर को भी इंक्रीज कर लेते हैं एंड यहाँ डन करते। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये कलर चेंज हो गया, आप देख पा रहे हो वहाँ पे कलर भी चेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मतलब आप सारा चीज़ सीख गए हो कि कैसे मास्किंग टूल का यूज किया जाता है। अब मास्किंग टूल का यूज करके आप देख पा रहे हो सिर्फ हमने यहाँ पे मास्किंग का टूल यूज किया और कुछ इस तरीके के फोटो कुछ ऐसा हमने बना लिया। ठीक है, अब आप चाहो तो यहाँ एडिट के ऊपर आके जस्ट लाइट वगैरह को अच्छे से यहाँ आप एडजस्ट कर लेना, जैसे कि मैं इसे कर लिया। फिर कलर के ऊपर आके टेम्परेचर को थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ एंड सेचुरेशन वाइब्रेंस दोनों को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज किया, बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। फिर ब्लर की हमें जरूरत है नहीं, ब्लर ऑलरेडी है, काफ़ी अच्छा है। बस इफेक्ट को बढ़ा के क्वालिटी को थोड़ा इन्हेंस कर लेते हैं एंड शार्पन से भी क्वालिटी को इंक्रीज करके नॉइज को थोड़ा आप इंक्रीज करोगे तो आपका जो फोटो में मतलब कि स्मूथनेस होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। एंड आप यहाँ देख पाओगे हमारा जो कुछ इस तरीके का फोटो था वो कुछ ऐसा एडिट हो गया जो कि काफ़ी कमाल का लग रहा है। मास्किंग टूल और एडिट का हमने यूज़ किया, काफ़ी मस्त यहाँ पर एडिट हो चुका है, आप देख पा रहे हो बिफोर एंड आफ्टर काफ़ी अच्छे से एडिट हो गया। तो आई होप आपको सारा एडिटिंग समझ आ चुका है। इसे अपने डिवाइस में सेव करने के लिए जस्ट शेयर के ऊपर आप क्लिक कर लेना, उसके बाद आपको यहाँ एक सेव कॉपी टू डिवाइस का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना आपके डिवाइस में सेव हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज समझ आ गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर से करना। इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो और खुशियां बांटते रहो।